नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 5 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अभी आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो अभी रिसेंटली भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। डी ऑप्शन जो है जोधपुर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है तो राजस्थान का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की। इंदिरा रसोई योजना, इसको भी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में थी तो ये राजस्थान में है। टाइगर कॉरिडोर, ये राजस्थान की सरकार डेवलप करेगी। जनजातीय उत्थान योजना, इसको लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया गया। निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। घर घर औषधि योजना स्टार्ट की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। 11th पॉइंट, राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से GI टैग मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की। 13th पॉइंट, हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन यह राजस्थान में किया गया। राजस्थान में मरु उत्सव मनाया गया। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए आप, देखो ये है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ राजस्थान जो है ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है राजस्थान की। जयपुर इसकी कैपिटल है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। जयपुर का जो निक नेम है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसका जो निक नेम है ये है पिंक सिटी। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी नए नियुक्त किए गए थे संभाजी शिवाजी शिंदे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब लेक की बात करते हैं, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में है। बिलासपुर डैम, ये बानस रिवर के किनारे है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर के किनारे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे है। जवाई डैम, ये जवाई रिवर के किनारे है। तो ये तो बात करी हमने राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो अभी रिसेंटली ये राजस्थान के सीकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, यानी ए ऑप्शन राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, गोवा की बात करते हैं। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना स्टार्ट की थी। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया था। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया था। अब देखो, अगर बात करें हम राजस्थान की तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम राजस्थान के बारे में डिटेल से कवर कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी 3 जुलाई 2022 से किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 6 दिवस के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो हेलसिंकी, ये फिनलैंड की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल है यूरो। फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल यूरो है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेगा। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो लोकेशन देखिए आप ऑस्ट्रेलिया की, ये लोकेशन है
ये कैनबेरा इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा कैनबेरा कैपिटल है। लेकिन लार्जेस्ट सिटी ये सिडनी है। एंथोनी एल्बनीज प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है और डाउन्स ग्रासलैंड है। पूछा जाता है एग्जाम में डाउन्स ग्रासलैंड किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप याद रखेगा। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो ये जो दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को, यानी डी ऑप्शन 3 जुलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन को, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, एक तो ये मनाया जाता है, और 2022 में 2 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये मनाया गया, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये हर साल जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है, और जुलाई में जो पहला शनिवार है ये 2 जुलाई को पड़ा, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 1 जुलाई की, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, ये 30 जून को मनाया जाता है, और एक दिवस और याद रखिएगा आप जो 27 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड MSME डे, ये 27 जून को मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन 3 जुलाई फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, विक्टर एक्सेलसेन का संबंध किस क्षेत्र से है, इनका संबंध है बैडमिंटन से। फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन बैडमिंटन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, 2022 में किसने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो बताइए ये किसने जीती है, ये जीती है कार्लोस सेंज ने, यानी सिक्स क्वेश्चन का डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की कौन सी भी जयंती मनाई गई, बताइए, तो ये मनाई गई 125वीं जयंती, यानी डी ऑप्शन जो है ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, 125वीं जयंती मनाई गई। एट्थ क्वेश्चन, खाद और सार्वजनिक वितरण विभाग 5 जुलाई 2022 को किस शहर में भारत में खाद और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा, बताइए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी एट्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने। नाइन्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सिनी शेट्टी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो नीमाबेन आचार्य है इनका नाम आप देख रहे हैं ना, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ना गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी, इसलिए इनका नाम भी आप याद रखेगा कि ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। ए ऑप्शन सिनी शेट्टी नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, बोस इंडिया के स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में किया, तो ये किया कर्नाटक के बेंगलोर में, यानी टेंथ क्वेश्चन का बी ऑप्शन बेंगलोर जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इसराइल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, ये किसने संभाला है, तो ये संभाला है टी राजा कुमार ने। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता 29 जून 2022 को देहरादून में आयोजित की गई थी, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2022 में GST दिवस यानी GST डे कब मनाया गया, तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन, अब ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तीसरा क्वेश्चन, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, और ये देखो ये होंगे अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर के आसपास होंगे मतलब, तो ये कहाँ पर होंगे ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। पांचवा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जुलाई 2022 को किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे, मतलब उद्घाटन किया। छठा क्वेश्चन,
2022 में सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।